मोबाइल गुरु में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सैमसंग का J4 मॉडल है, इसमें सिक्योरिटी लॉक की समस्या है, इसमें सिक्योरिटी लॉक है, तो ये सिक्योरिटी लॉक कैसे निकालना है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सिक्योरिटी लॉक निकालने के लिए इसे सबसे पहले पावर ऑफ कर लेंगे दोस्तों। ये देखिए पावर ऑफ करने जाते हैं तो फिर भी ये सिक्योरिटी यहाँ पर ये मांग रहा है दोस्तों, और आपको सिक्योरिटी नहीं पता है तो ये ऑफ़ नहीं होगा, और अगर ये ऑफ़ नहीं होगा तो हार्ड रीसेट मोड में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे इसे पावर ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, आपका ये डाउन बटन और ये पावर की, इनको एक साथ में प्रेस करके रखेंगे, ठीक है। और जैसे ही आपका ये डाउन हो जाएगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका होम की और पावर ये वॉल्यूम अप की, इन तीनों को एक साथ में दबा के रखेंगे, जिससे आपका ये हार्ड रीसेट मोड में चला जाएगा। और ये हार्ड रीसेट मोड में डालने के लिए दोस्तों आपकी टाइमिंग जो है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, आपकी जो टाइमिंग है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, वरना ये हार्ड रीसेट मोड में नहीं जाएगा दोस्तों। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, आपको जैसे ही ये दोनों को बटन को पावर की और डाउन को इसको दबा के रखेंगे, जैसे ही ऑफ होगा वॉल्यूम प्लस को पकड़ेंगे और उसके साथ में होम की और पावर की, जिससे क्या होगा ये हार्ड रीसेट मोड में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार करके देख लेते हैं। सबसे पहले डाउन बटन और पावर की को इस तरह से दबा के रखेंगे, जैसे ही ये डाउन होगा आप तुरंत यहाँ पे क्या करेंगे, वॉल्यूम बटन, होम बटन और पावर तीनों को इस तरह से दबा के रखेंगे, जिससे क्या होगा ये आपका हार्ड रीसेट मोड में चला जाएगा। ये देखिए इस तरह से आपको करना है, टाइमिंग आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, उसके बाद ये हार्ड रीसेट में जाएगा। डाउन होने के बाद तुरंत आप वॉल्यूम अप बटन दबाएंगे, होम की को एक साथ में तीनों को प्रेस करके रखेंगे, जिससे ये आपका हार्ड रीसेट मोड में चला जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों ये देखिए वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट, इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे यस नो पूछ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके सारे डेटा चले जाएंगे, तो आपको ऑब्वियसली यस ही करना है यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पे देखिए आपका ये जो डेटा जो है वो सिक्योरिटी सारे वो सारे अब निकल जाएंगे, और यहाँ पे इसको हम जस्ट इसको एक बार रिबूट कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका जो सिक्योरिटी का जो प्रॉब्लम था दोस्तों वो सॉल्व हो जाएगा। तो इसी प्रकार से सैमसंग के जितने भी मॉडल्स हैं सबके आप सिक्योरिटी निकाल सकते हैं दोस्तों। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल मोबाइल गुरु को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।